अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो उस दिन मैंने जब डाई करवाने गई थी तो मैंने आपको उसके बाद की फ़ाइनल लुक जो है एग्जैक्ट नहीं दिखाई थी। वैसे तो जो उसके बाद रिव्यू दिया था उसमें आपने देख ही ली होगी लास्ट वीडियो में, लेकिन ये मैंने कुछ क्लिप्स डाई वाले दिन ही शूट किए थे तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये मेरा जी हेयर कलर हो गया था, मैंने किया था क्यूने का 8.1। तो डाई करवा के फिर मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने फ़ुज़ैल को भी रोटी बना के दी और उसके बाद लंच वगैरह हम लोगों ने किया, एंड देन उसके फ़ौरन बाद में किचन क्लीन करने लग गई थी। मेरे घर में ना मेरे मतलब मैं दिन में 2-3 दफ़ा तो अपना किचन लाजमी क्लीन करती हूँ। तो अभी सारा रोटियां पका के और किचन क्लीन कर रही थी। रोटियों के बाद अच्छी खासी जो है ना वो खुश्का जो होता है ड्राई फ्लावर पूरे किचन में बिखर जाता है। तो साथ साथ ये कर रही हूँ काम और बच्चे भी खेल रहे हैं, बच्चों के भी लंच का टाइम हो गया, फ़ुज़ैल भी उनको खिला रहे थे खाना। ये हमारे कैट्स, हमारे बच्चे, ये अच्छा ये इस पौधे को ना असली पौधा समझते हैं और ऐसे इसी तरह ना लेट के खेलते रहते हैं। कैट्स को प्लांट्स बहुत पसंद होते हैं, पौधे बहुत पसंद होते हैं, इसलिए कैट्स जो है वो ऐसे जो आर्टिफिशियल पौधे होते हैं उनके साथ खेल के बड़ा अच्छा महसूस करती हैं। ये देखें कैसे फाइट कर रही हैं। और मैं साथ साथ यहाँ पे जल्दी जल्दी से ना बर्तन भी अपने वॉश करी थी। बर्तन तो मैं कहती हूँ इनको ना कोई ख़ास किस्म की दुआ है, इनमें बरकत ख़त्म ही नहीं होती है। ये देखें जी, ऐसे हमारी कैट जो है वो खाना खाती हैं। ये हमारा मफिन है और ये माशाल्लाह 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे इसके बच्चे हैं, मफिन के बेबीज़ हैं ना सारे के सारे। अब हम सोच रहे हैं कि हम आपके साथ इनकी स्टोरी भी शेयर किया करें। ये देखें जी, ये सबके डैडी जी, छोटी नूर जी, छोटी नूरी, छोटी नूर तो माशाल्लाह ना हुस्न का शिकार बनती जा रही हैं, बहुत हसीन होती जा रही हैं। ओ इन्हें क्या हो गया छोटे मैक्स को? बेबी ब्राउनी मैक्स के पापा, बेबी ब्राउनी मैक्स के पापा, ये पापा और ये बेटी। आज बेबी ब्राउनी भी बड़ी खुश हैं और ये देखें दोनों का प्यार। ओ गंदी शक्ल, इसको आज नहलाना है हमने। अच्छा बेबी ब्राउनी ना छोटे बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करती है। 1 घंटा हो गया और इनका खाना खत्म नहीं हुआ। नहीं दिन में ये देखिए इनका खाना नहीं ख़त्म हुआ। बगीरा ने अपना खाना खा लिया, बगीरा की नज़र किसी और पे है। तुम्हारा किचन साफ हो गया? ये देखें जी किचन क्लीन हो गया। और ये मैडम जी घंटे से ऊपर ही सो रही है और ये देखें बिन्नी जी भी ऊपर सो रही है। सोने देते हैं, उसे तंग नहीं करते। पहले मैंने सोचा उठा देता हूँ, फिर सोच रहा हूँ नहीं, ये तो सोती ऐसे है, ये ना हैज़ल ऐसे ही सोती है, पता नहीं सी ऐसे। अच्छा क्या कर रही है सोने के लिए कि मुझे उठा कर ना ले दे फिर। अच्छा और यहाँ देखें जी कितने प्यारे लग रहे हैं बेबीज। ये जो छोटा मफिन है ना ये बिल्कुल बड़े मफिन की तरह होता जा रहा है। अच्छा कैट्स के बेबीज़ ना ज़्यादातर अपने बाप पर जाते हैं, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है, बाप जैसी शक्लें होती हैं। ये मफिन बिल्कुल बड़ा मफिन बन रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ ही फ्लोरा मैडम बैठी हुई हैं। अच्छा मेरी ना एक सब्सक्राइबर हैं उम्मे यूसुफ, पहले तो आपको बड़ी मौजरत, आपने मुझे काफ़ी दिन से कहा हुआ था कि आपके हस्बैंड जो मरहूम आपके हस्बैंड हैं उनकी बर्थडे थी महमूद नवाज़ की, तो मैं एक्चुअली मेरी ख़ुद भी तबीयत ख़राब थी तो मैं वीडियोस भी इतनी नहीं आजकल डाल रही थी तो मैं उनको विश नहीं कर पाई, लेकिन अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें और आप सबको भी सब्र अता करें। तो माफ़ कीजिएगा भी थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं उनके लिए दुआ करने में। और मेरी भी बर्थडे आने वाली है, 5 मार्च को मेरी बर्थडे है, साथ में मेरे साथ बीनी की भी होती है, हेज़ल की भी होती है, इनकी मेरे साथ ही होती है। और स्वीटी और सनी जो मामा के कैट्स हैं ना
उनकी भी मेरे दिन ही बर्थडे होती है, सब मेरे साथ मेरे बर्थडे वाले दिन ही पैदा हुए थे। जो सारा साल नहीं डालते ओए इसको शर्म कर ले, ना लिया कर कभी कभी। हाँ फ्लोरा भी जब से पैदा हुई है फ्लोरा भी नहीं नहाई, और ये नहाया आज तक या नहीं? वो लड़का वो नहाया हुआ है, वो नहाया हुआ है, फ्लोरा नहीं नहाई, फ्लोरा नहाएगी क्योंकि फ्लोरा सर्दियों में पैदा हुई थी। ये इस तरह से क्यों खा रहा है? कौन ये इसके वादे क्यों निकाल रहा है? पता नहीं इसका मुंह क्यों खराब हो गया। देखो जरा एक दफा इसको मुंह खोल कर, इसका ये अजीब तरीके से खाना खा रहा है। टॉफी के दांत टूट रहे हैं, मैंने आपको एक क्लिप दी है बनाया है छोटा सा, उसमें आवाजें सुन सकते हैं उसकी। ओ बेबी ब्राउनी मैक्स, बेबी ब्राउनी मैक्स से पापा ये नाक पे क्या लगाया हुआ है? बस लालच में रहते हैं बेबी ब्राउनी मैक्स के पापा कि हर वक्त हमें कुछ खाने को मिल जाए। और यहाँ पर जी मैं फाइनली गर्मियों के कपड़े निकाल रही थी और सर्दियों के कपड़े जो है रख रही थी। आप में से किस किस ने गर्मियों के कपड़े निकाल लिए हैं? अच्छा होता ये आजकल वेदर इस तरह का हो गया है कि जब हम लोगों को लगने लगता है कि बस अब सर्दी चली गई है तो उसी टाइम वो सर्दी लगने लग जाती है, हम लोग गर्मियों के कपड़े पहन रहे होते हैं और बीमार हो जाते हैं, स्वेटर्स शॉल सब कुछ छोड़ दिए। इसी वजह से मैं भी बीमार हो रही हूँ, बार बार फुजैल भी हो रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट अब लॉन भी घर में पहननी स्टार्ट कर दी है क्योंकि मुझे गर्मी लगती है काम करते हुए। हाँ हाँ तोड़ो जो कर रहे थे वो करो, स्कूबी जो तुम कर रहे थे वो करो। पीछे बुई हर वक्त अपनी सफाइयाँ ही करते रहते हो, तो बुई हर वक्त अपनी सफाइयाँ करते रहते हो और कोई काम नहीं है ज़िंदगी में तुम्हें। हसीन तो बोई सुबह से जैनी भी बाहर है और अभी तक आई नहीं बच्चों के पास है। उसके बच्चे बेचारे भूखे हैं सुबह से, मैंने उनको खाना खिलाया तो है थोड़ा बहुत। तो भाई बड़ा खुश होता है जब तुम इस तरह कपड़े निकालती हो ना। ओ मामू खाला भी आ गई मामू खाला इसका नाम हमने बचपन से ही मामू खाला रखा हुआ है ना। बुई तुम मेरे साथ जाओगे भाई? तो बुई तुम्हें बाइक पे लेके जाऊं, गाड़ी पे जाना है मेरे साथ हैं? तुम तो बाहर जाने से बहुत कतराते हो, तो बुई बहुत डरते हो, इतना छोटा दिल है ना तुम्हारा तो बुई। और अभी रात का टाइम है तो मैं ना रात को सोने से पहले ही ड्रिंक बना के रख लेती हूँ जो मैंने नेक्स्ट डे सुबह उठती सबसे पहले पीनी होती है ना, तो मैंने उसके लिए एक ग्लास पानी लिया, उसमें मैंने ना हाफ टी स्पून जितना मैंने उसमें मेथी दाना डाला है हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगी अजवाइन का, और एक स्टिक मैं इसके अंदर सिनेमन की डाल दूंगी और इसको बस मैं सोक करके रख दूंगी। सारी रात ये चीज़ें पानी में रहेंगी ना तो ये इन्फ्यूज़ हो जाएंगी पानी में। सुबह उठ के अगर आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म करके पी लें या बॉयल करके छान कर पी लें, लेकिन मैं इसको ऐसे ही सुबह उठ कर पी लेती हूँ। तो ये जो है ना ये ड्रिंक ये जिनको वेट लॉस करने में प्रॉब्लम हो रही है, वेट स्टक हो जाता है उनके लिए बहुत अच्छा है ये, और जिनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं या PCOS का प्रॉब्लम है उनके लिए ये ड्रिंक बहुत बेस्ट है। खैर मैं इंशाल्लाह डाइट प्लान भी जल्द ही शेयर करूँगी आपके साथ, बस थोड़ा ना आजकल बड़ी तबीयत अजीब सी हो रही है इसलिए नहीं शेयर कर पा रही। दो दिन से ना उकाड़ा में हो रही है बारिश और अभी फुजैल ने बिल्कुल इस डोर के बाहर ना केज के अंदर बच्चों को रखा हुआ है जैनी के बच्चों को, और उन्होंने इतना शोर डाला हुआ है कि हमें कैद क्यों कर दिया केज में। वो इसलिए किया क्योंकि ये फिर बारिश में चले जाते हैं, गैलरी में जाते हैं ना, तो बारिश से बचाने के लिए। ब्राउनी ब्राउनी बेबी रो रहे थे ना, आप चुप नहीं करवाती हो बेबीज को। बलोनी देखा बेबीज कितना रो रहे हैं, बलोनी। अच्छा तो कल मैंने रिव्यू डाला था कैट फूड के बारे में, मेबल के बारे में, तो आप में से किसी का कमेंट आया था मुझे वो बहुत प्यारा लगा कि आप लोगों ने सनी को भी याद रखा, किसी ने मुझे कहा कि आप एक कैन सनी के लिए रख लें तो उसको ये खिलाएं लाजमी,
तो मैं यकीनन सनी को मैं लाजमी खिलाती, लेकिन मैं सनी की वजह से इतनी परेशान हूँ। आज 4 दिन हो गए हैं और सनी नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ गया है, वो घर वापस नहीं आया सनी, और मैं उसके लिए इतनी परेशान हूँ। उसने खाना पता नहीं कहाँ से खा रहा होगा, क्या कर रहा होगा। दुआ करें सनी जल्द से जल्द वापस आ जाए, सब लोग बहुत दुआ करें मेरे लिए। सनी भी मेरी सब कैट्स की तरह है, बस फ़र्क ये कि वो एक स्ट्रे कैट है, वो घर में रह भी नहीं सकता, उसको आदत है घूमने फिरने की, और अब हमें पता भी नहीं है कि वो कहाँ गया है। बलोनी बलोनी, बीबी को चुप करवा दो ना, आप उनकी बड़ी आपी हो, आप इतनी बड़ी हो बीबी से, जैनी के बेबी से, है ना बलोनी, अब आप बड़ी आपी बन गई है ना, बड़ी बड़ी। ऐशी ऐशी ऐशी, ये देखो पहले कितने स्क्रैच किए हुए हैं मेरे हाथ पे, कितने निशान हैं। तो जी आज की बस ज़रा छोटी सी वीडियो है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलूंगी आपके साथ कल के व्लॉग में, और सनी के लिए लाजमी लाजमी दुआ करें कि सनी वापस आ जाए, और हम सबको दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।